हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक एंड शेयर करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या सोच रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास। और हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.3, रूट 2 इज इरेशनल। मींस ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्सरसाइज 1.2 की, और पूरी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो इस इक्वेशन को, जो स्टेटमेंट गिवन है, इसे प्रूव करते हैं बहुत ही आसान वे में, बहुत इजी स्टेप्स के साथ। ठीक है, सो फर्स्टली क्या करेंगे, लेट रूट 2 बी रेशनल। सर ये क्या बात हुई, प्रूफ इरेशनल करना है और हम लेट कर रहे हैं रेशनल। ये मैथ से कुछ भी कर सकते हो। क्यों, इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्या जाना पड़ेगा भाई, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, यस और नो, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे। तो हमारे पास रूट टू के लिए क्या ऑप्शन है, इरेशनल या रेशनल। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम प्रूफ करेंगे रेशनल। अगर रेशनल है तो फिर रेशनल है, अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगी, इरेशनल। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। सो अगर ये रेशनल नंबर है सो क्या होगा, देयरफॉर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, एंड पी एंड क्यू आर दी को प्राइम नंबर्स। अगर ये रेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी, और पी अपॉन क्यू क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होती है। मींस अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करोगे तो कितना आएगा, वन। वन के अलावा कोई भी नंबर नहीं आनी चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भाई मैथ्स है, मैथ्स में जितना आप खेल सकते हैं इक्वेशंस के साथ उतना खेलिए। हमें पता है अगर इक्वल है इस साइड में तो जो हम ऐड कर रहे हैं वही सेम चीज LHS में भी ऐड करेंगे, जो RHS में सब्ट्रैक्ट करें सेम चीज RHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी मींस, जो भी हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे वो दोनों साइड करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस इक्वेशन को रखना है। सो ये क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। सो यहां से दिस इज टू इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो क्या हो जाएगा, टू q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, राइट। मींस ये स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह से समझते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे टेबल लिखता हूं, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या होता है, 8। दिस इज दिस सेम कुछ इसी पैटर्न पे लिखा ना, 2 इंटू q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो यहां पे जो 4 है वो अभी फिलहाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, q स्क्वायर। मींस अगर ऐसी स्टेटमेंट है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा होता है, 8 से। 8 डिविजिबल है ना भाई 2 से, 8 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और हमने एक थ्योरम और पढ़ी है 1.2, जिसमें बोला गया है कि किसी भी प्राइम नंबर से अगर कोई हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं, सो उस नंबर, उस इंटीजर को भी वो नंबर डिवाइड करेगी। मींस अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। से यस और नो होगा ना, अगर p इससे डिवाइड, p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमारा जो p होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हमें जो चीज फाइंड करनी थी वो।
अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा इरेज कर दें। ओके, सो अब इस स्टेटमेंट से हमें एक चीज फिर से हम उसी टेबल फॉर्म में देंगे, अगर ये डिविजिबल है 2 से तो फिर यहां पे क्या होगा, 2 से कोई एक नंबर किसी 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब पी आएगा, तभी ये डिविजिबल होगा ना। सो यहां पे मैंने लेट किया, ये क्या है वेरिएबल सी, कोई भी एक नंबर है, ठीक है। अब इस सी को जो इक्वेशन आई है 2c = p, आप इसे क्या करो यहां पे पुट करो, पुट इट हेयर, और p की वैल्यू जब रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2q² = 2c² इज इट राइट, 2q² = यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4c² और 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, सो q² = 2c². देखो अगेन वही चीज हमें मिल गई जो यहां पे थी, अगेन वही चीज दिख रही है ना हमें, 2 के साथ एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, q² के, मींस q² इज डिविजिबल बाय 2, मींस q² इज डिविजिबल बाय 2, q² डिविजिबल बाय 2। अगर q² जो है वो 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, q भी डिविजिबल होगा किससे, एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 2। बोलो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 आपने कुछ ऑब्जर्व किया, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मीन्स p और q, हमने पहले क्या देखा कि p एंड q आर को प्राइम्स, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए था इसका, बट यहां पे पता चल रहा है 2 भी p और q का क्या है, फैक्टर। तो जो हमने अजम्पशन लिया था, जो हमने लेट किया था, वो स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, अब फॉल्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्जर्व दैट पी एंड क्यू हैव मोर देन वन फैक्टर, सो पी एंड क्यू नॉट, या फिर ये जो वैल्यू है √2, ये क्या हो जाएगी, सो √2 इज इरेशनल नंबर। सो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया यहां पे, फॉल्स, जो हमने लेट किया था वो फॉल्स हो गया, कुछ ये प्रूविंग है, और जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो इसी बेस पे होंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है, कोई डाउट है कुछ भी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एंड आपकी क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप अपने क्वेश्चंस की क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।